सागवाड़ा पुलिस ने लूट की नीयत से पत्थरबाजी कर वाहनों के शीशे फोड़ने वाली गैंग का खुलासा करते हुए मुख्य अभियुक्त नीलेश सहित गैंग को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि उप प्रकरण में मुख्य अभियुक्त नीलेश ने 3 अवयस्क बालकों सहित कुल 10 बदमाशों को अपनी गैंग में जोड़कर घटना को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज होने के 8 घंटे में 3 विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, वही शेष 3 फरार है। इस पूरी घटना पर क्या कहा थानाधिकारी हिमांशु राजावत ने सुनिए। दिनांक 9 और 10 की मध्य रात्रि को पुलिस को ऐसी सूचना मिली कि सागवाड़ा निवासी जयदीप उर्फ जुगनू, उनके गाड़ी के ऊपर कुछ बदमाशों ने पत्थर से हमला किया और उनके शीशे तोड़ दिए और इस तरह की 5-7 वाहनों पर और पत्थरबाजी करके लोगों को डराया गया और उनको लूट की नीयत से रोकने की कोशिश की थी। सूचना के आधार पर मैं और मेरी टीम वहाँ थाने से निकल के पहुँची और वहाँ काफ़ी हमने सर्चिंग की, इधर तो लोग देखे लेकिन पता नहीं चला। दूसरे दिन जो पीड़ित थे उनको बुला करके हमने FIR दर्ज किया। FIR दर्ज करने के बाद में हमने काफ़ी विश्लेषण किया कि कौन ये वारदात कर सकते हैं। इस तरह से मुखबिरों से और काफ़ी सूचनाएं प्राप्त करने के बाद हमें नीलेश नामक एक युवक के बारे में पता चला और ये भी बताया गया कि वो नीलेश 10 लोगों को गैंग बना रखी है, उसमें कुछ अवयस्क बालक भी हैं। उसके आधार पर हमने कार्रवाई की और जो अवयस्क बालक थे उन्हें निरुद्ध करके और न्यायालय में पेश किया है और शेष 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि इनके पीछे और कौन लोग हैं जो इस तरह की वारदात कर रहे हैं। आदरणीय राशि डोगरा मैडम द्वारा हमें निर्देश दिए गए कि डूंगरपुर के अंदर काफ़ी जगहों पर इस तरह से पत्थरबाजी की घटनाओं से आने जाने वाले जो राहगीर हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, इस पर सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। इसी के निमित्त ये कार्रवाई की गई है।